नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ अमृतसरी छोले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप छोले लिए हैं जिन्हें ओवरनाइट सोक कर लिया था। तो उबालने के लिए इन्हें कुकर में डालेंगे और अब कुकर में पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि छोले डूब जाएं। और अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसके बाद इसमें कुछ और सामान भी ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ एक सूती कपड़ा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून चाय पत्ती, अगर आप चाय पत्ती नहीं डालना चाहते तो आंवला डाल सकते हैं, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची क्रश करके रखेंगे। कपड़े को अच्छे से बांध लेंगे। इस तरह से बांध कर एक पोटली तैयार कर लेंगे। सही से बांधें वरना पोटली खुल जाएगी और सारी चाय पत्ती छोले में मिल जाएगी। ये देखिए पोटली तैयार है। तो इसे भी कुकर में डाल देंगे और कुकर बंद करके गैस पे चढ़ा देंगे। कुकर में 4-5 सीटी लगने देंगे और ये आपके कुकर पे डिपेंड करता है। 5 सीटी लग चुकी है और कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, तो इसे खोल लेते हैं। छोले को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे छोले कम पके हैं तो इन्हें और पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोले तैयार हैं। तो इस पोटली को बाहर निकाल लेंगे। अब गैस की तरफ चलते हैं। मैंने हलवाइयों वाला बड़ा सा पतीला गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें 5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। तेल के गर्म होते ही 1 तेज पत्ता डालेंगे। इसमें मैं लौंग, काले मिर्च, बड़ी इलायची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसे छोले में पहले ही बॉईल कर लिया था, इसलिए उसका फ्लेवर आ चुका है। तेल में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे। प्याज डालेंगे, 3 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट बनाकर डाला है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को 3-4 मिनट के लिए भुनेंगे। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालेंगे। मैंने यहाँ 3 टमाटर को ग्राइंड किया था। टमाटर डालने के बाद नमक डालेंगे। नमक सावधानी से डालें क्योंकि छोले में भी डाला है। अब 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। यदि आपके पास अनारदाना का पाउडर है तो आप इसमें जरूर ऐड करें, अगर नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और अब बर्तन को 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए मसालों से तेल अलग हो चुका है। तो इसे एक बार चला लेते हैं और अब इसमें छोले ऐड करेंगे। अभी छोले में पानी कम है तो इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 कप गुनगुना पानी डाला है, इतना पानी इसमें काफ़ी है। जब भी आप सब्जी में बाद में पानी ऐड करें तो गुनगुना या गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी ऐड करने से सब्जी का कलर बिगड़ सकता है। अब छोले को 4-5 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए इसका कलर अरोमा कितना बेहतरीन है। इसके टेक्सचर को हैवी करने के लिए थोड़े से छोलों को मैश कर लेंगे जिससे इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। बस छोले तैयार हैं, तो इसमें गरम मसाला और हरी धनिया डालेंगे और इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का बनाने के लिए एक बर्तन को गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप घी की जगह रिफाइंड तेल या मक्खन भी डाल सकते हैं। अदरक के लच्छे डालेंगे, 2 हरी मिर्च स्लिट करके डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन टेस्ट और डाइजेशन दोनों के लिए अच्छा है और गैस ऑफ करके 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तड़का तैयार है, तो इसे छोले में सावधानी से डाल देंगे। तड़का ऐड करने के बाद छोले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये फेमस अमृतसरी छोले बनकर तैयार हैं। किसी भी रेसिपी को अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसमें तेल, नमक या तीखापन अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे आप भटूरे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।